तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइट सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, मैं एक साइट विजिट करने गया था, वहाँ मैंने देखा एक प्लॉट की जो बाउंड्री वॉल है वो गिर गई थी। तो लोगों ने पूछा, सर क्या कारण है इस बाउंड्री वॉल के गिरने का? तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और जो लोग अपना घर बनवा रहे हैं और जो अभी घर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो हमारे सिविल इंजीनियर हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ जो मैंने साइट पर फिजिकली ऑब्जर्व किया है इस बाउंड्री वॉल को देखने के बाद। पहली चीज़ जो है, इस बाउंड्री वॉल में कहीं कॉलम नहीं दिया गया है। और जो ये बाउंड्री वॉल है, इसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्सीमेट हमारी 36 मीटर है। और इस बाउंड्री वॉल के जो बगल का प्लॉट है, आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, वो काफ़ी डाउन है। उस प्लॉट से कोई सपोर्ट इस बाउंड्री वॉल को नहीं मिल रहा है साइड से। इस केस में इनको सबसे पहले जब ये बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे थे, तो जो एनजीएल लेबल है प्लॉट का, उससे इनको कम से कम 3 फीट जो है एक्सीवेट करके इनको एक कॉलम की फुटिंग कास्ट कर लेनी चाहिए थी उस टाइम। और जो ये आरसीसी के कॉलम कास्ट होते, उनके बीच की जो दूरी रहती वो 3 मीटर इनको रखनी चाहिए थी। 3 मीटर इसलिए रखनी चाहिए थी कि इन केस जब ये कभी हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम कराते, तो ये जो कॉलम है वो यूज में आ जाते इनके। साथ में ही फुटिंग के ऊपर 200 mm अप करके इनको चारों तरफ एक टाई बीम दे देना चाहिए था, और टाई बीम के ऊपर इन्हें ब्रिक वर्क करना चाहिए था, और उस ब्रिक वर्क की जो हाइट रहती वो प्लिंथ बीम के लेवल तक रहती। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने बीम प्रोवाइड किया है प्लिंथ लेवल पर, वैसे इनको पूरे प्लॉट में चारों तरफ से क्या करना था, एक प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर देते। और मैंने जो ऑब्जर्व किया कि इसमें प्लॉट में जो सॉइल की फिलिंग हुई है वो एक साथ हुई थी। इनको जो सॉइल की फिलिंग करनी थी वो लेयर वाइज भरनी चाहिए थी। लेयर वाइज भरने से क्या होता है, जो हमारी सॉइल है उसका जो कॉम्पैक्शन है वो अच्छे से होता है। यहाँ पर जो सॉइल की फिलिंग हुई है वो डंप में की गई थी, जो कि सॉइल की ऊपर वाली लेयर है वो तो 200 से 300 mm क्या हुआ, कॉम्पैक्ट हो गया। और लोगों को लगा कि ये सॉइल अब हमारी क्या है, अच्छे से कॉम्पैक्ट हो गई, जो कि ऐसा नहीं था। जो नीचे की लेयर है वो अभी प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं हुई है। और जब बारिश हुई तो बारिश का पानी है सॉइल ने उसे एब्जॉर्ब किया, और जो सॉइल थी वो अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हुई है प्रॉपरली, उसमें अभी वाइट्स हैं। तो पानी जैसे ही सॉइल को मिला वो फिर से कॉम्पैक्ट होने लगी, कॉम्पैक्ट होने के साथ वो एक्सपैंड भी होने लगी। तो जो सॉइल का प्रेशर है वो वॉल पर एक्टिव हो गया। जिधर प्लॉट है उस साइड से ये जो वॉल है वो टोटली फ्री है, उधर से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जो वॉल है वो सॉइल का जो प्रेशर था उसको वो बियर नहीं कर पाई, और एनजीएल लेवल से ये टूटकर गिर गई। अगर इन्होंने वॉल में जो है कॉलम प्रोवाइड किया होता है, और जो कॉलम की फुटिंग है उसके टॉप से 200 mm अप करके एक इनको क्या है, चारों तरफ से टाई बीम दे देना चाहिए था। जो इन्होंने ब्रिक वर्क किया है 9 इंची का, इसको इनको टाई बीम से करना चाहिए था, और प्लिंथ लेवल पर एक इनको बीम दे देनी चाहिए थी जैसे इन्होंने दी है। तो जो इनकी वॉल है वो गिरती नहीं, और सॉइल का प्रेशर भी वो बियर कर लेती। तो आगे मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम बैक फिलिंग करने जाते हैं अपने घर के फाउंडेशन की, तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है बैक फिलिंग के दौरान। जो गलती इन्होंने की है वो गलती आप ना करें, मैं वही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें चेक करना है
कि फाउंडेशन से हमारी टाई बीम पड़ी है कि नहीं, और जो हमारा ब्रिकवर्क है साइड का जो नीचे से आया हुआ है वो हमारे टाई बीम के थ्रू आया है कि नहीं। हमारी टाई बीम पहले पड़ी होनी चाहिए, फिर टाई बीम के ऊपर हम ब्रिकवर्क करेंगे प्लिंथ लेवल तक, इसको हमें चेक करना होता है। टाई बीम हमें इसलिए डालना ज़रूरी होता है घर में कि जो आपके बगल का प्लॉट है फ्यूचर में जब वो अपने घर का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या करते हैं, वो एक्सकवेशन करेंगे अपने फाउंडेशन की, और जो आपके ब्रिकवर्क है साइड का बाउंड्री वॉल का जो नीचे से आया है ऊपर तक, अगर उसको बेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो स्लाइड कर जाएगा, जैसे कि ये बाउंड्री वॉल टूट के गिर गई है। तो आपको क्या है, टाई बीम ज़रूर चेक करना है और अपने कॉन्ट्रैक्टर से बोलना है कि टाई बीम आपको चारों तरफ से डालकर देनी है और उसके बाद आपको ब्रिकवर्क करना है नीचे से, जो कि काफ़ी लोग गलतियां कर देते हैं पैसा बचाने के चक्कर में, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है और इस चीज़ को आप लोग ज़रूर चेक करिएगा, और जो लोग अभी घर बनवा रहे हैं आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जब आप बैक फिलिंग कर रहे हैं अपने घर की, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जो बैक फिलिंग करनी है वो लेयर में करनी है, हमें एक साथ सॉइल को डंप नहीं करना है। और जो हम लोग सॉइल यूज कर रहे हैं बैक फिलिंग में, उसको कोशिश करिए आपकी सैंडी क्ले जो हमारी होती है वो यूज कीजिए। घर के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये नॉर्मल वाटर से भी अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाती है, हमें कॉम्पैक्टर वगैरह ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता है। अगर आपको सैंडी क्ले नहीं मिल रही है तो हमारी एक सैंड आती है जो थोड़ी सी ग्रे कलर की होती है, जिसे लोग बालू बोलते हैं, और कुछ लोग इसको प्लास्टर वर्क में भी यूज करते हैं मोरंग के साथ। और आप इस सैंड को भी बैक फिलिंग में मिट्टी के साथ यूज कर सकते हैं। एक लेयर आपको मिट्टी की डालनी है, उसके बाद दूसरी लेयर आपको सैंड की डालनी है, फिर आपको एक लेयर मिट्टी की डालनी है। तो ऐसे करके आप लेयर वाइज इसको यूज कर सकते हैं। और जब आप अपने घर में पानी भरेंगे सॉइल को कॉम्पैक्ट होने के लिए, तो जहाँ जहाँ वाइट्स रहते हैं तो ये सैंड जो है वो इजीली पानी के साथ बहकर वहाँ शिफ्ट हो जाती है, और जो वाइड होते हैं वो प्रॉपर भर जाते हैं, इससे हमारा जो सॉइल का कॉम्पैक्शन है वो अच्छे से हो जाता है। तो आप इस सैंड को भी यूज कर सकते हैं कॉम्पैक्शन के लिए, बहुत अच्छी है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब आप अपने घर की बैक फिलिंग कर रहे हैं तो जो आप मिट्टी डाल रहे हैं उसको आपको लेयर में डालना है, एक साथ डंप नहीं करना है, जैसे कि इन्होंने किया था अपने प्लॉट में। अगर आप एक साथ डंप करेंगे तो आपकी जो सॉइल है वो अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं होगी, तो उस केस में आपका जो फ्लोर है वो बैठ सकता है और जो आपकी टाइलें वगैरह हैं वो ख़राब भी हो जाएंगी, फिर से आपको फ्लोरिंग कराना पड़ेगा और आपका काफ़ी खर्चा हो जाएगा। तो इसको अगर आप स्टार्टिंग में ही ध्यान रखेंगे और सारी एक्टिविटी को प्रॉपर जिस वे में की जाती है उस वे में करेंगे सावधानी पूर्वक, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, जब आप अपने प्लॉट या घर की बैक फिलिंग करा रहे हैं तो उस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं और आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं बैक फिलिंग के दौरान। जो गलती इन्होंने की है आप इस गलती को ना करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, जिन लोगों ने अभी तक राइट सिविल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।